नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। बजरंग कार्यकर्ता के मर्डर केस में 8 आरोपी गिरफ्तार, 20 से 22 साल की उम्र के हैं सभी आरोपी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता हर्ष की हत्या मामले में पुलिस ने कुछ और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने इस हत्या से जुड़े 8 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिवमोगा के SP लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान आसिफ सैयद नदीम, रेहान शरीफ, निहान अब्दुल अफनान और कसीफ के रूप में हुई है। SP प्रसाद ने कहा कि इस मामले में कुल 12 लोगों को से पूछताछ की गई थी और 6 को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इस हत्या में शामिल जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी उम्र 20 से 22 की है। बता दें कि 20 फरवरी को हर्ष की हत्या कर दी गई थी। हर्ष की हत्या के बाद उनके पिता ने आरोप लगाया था कि कुछ बदमाशों ने उनकी हत्या सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वह बजरंग दल का कार्यकर्ता है। हर्ष की मौत के बाद शिवमोगा सहित पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हुए थे। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव, हथियारों का इस्तेमाल किया और यहां तक कि वाहनों में आग भी लगा दी। स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा था। घटना के बाद तनावग्रस्त माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज में छुट्टी का ऐलान कर दिया। इसके अलावा यहां धारा 144 लागू भी कर दी गई। अधिकारी ने कहा कि शहर में हिंसा और आगजनी की 14 अलग अलग वारदात हुई जिस पर प्राथमिक दर्ज की गई। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस अधिकारी ने कहा था कि 3 मामलों में प्राथमिक दर्ज की गई है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है जिन्होंने आगजनी और हिंसा में अपने वाहन और संपत्ति गवाई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी शिवमोगा में कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। अब यहां केवल सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की आवाजाही रहेगी। वहीं धारा 144 को भी 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। शिवमोगा के उपायुक्त डॉक्टर सेल्वमणि आर ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आप सभी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।